आरोपियों इमरान मलिक और नासिर को दिल्ली लाया गया है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि दोनों आरोपियों को पटना से एनआईए की टीम दिल्ली लेकर आई है। अब इमरान और नासिर से एनआईए की दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ होगी। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। दोनों यूपी के शामली के रहने वाले हैं। तो मास्टरमाइंड का राज खुलेगा और जो दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको दिल्ली लाया गया है। इमरान मलिक और नासिर इनका नाम है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस के मामले में दोनों आरोपियों को दिल्ली लाया गया है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि दोनों आरोपियों को पटना से एनआईए की टीम दिल्ली लेकर आई है। अब इमरान नासिर से एनआईए की दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ होगी। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। दोनों यूपी के शामली के रहने वाले हैं और माना ये जा रहा है कि इन दोनों से पूछताछ के बाद कई और खुलासे होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इसके पीछे। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, दोनों नासिर और उनके सहयोगी को एनआईए की टीम दिल्ली लाई है और माना यह जा रहा है कि पूछताछ में कई और खुलासे होंगे। बिल्कुल, देखिए, इमरान और नासिर की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई थी और उसके बाद वहां से पटना लाया गया था, जहां उन्हें एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद फिर एनआईए ने रिमांड लिया और उसके बाद कल दिन भर उनसे पूछताछ हुई है और देर शाम उनको यहाँ से, दोनों को, इमरान और नासिर को दिल्ली ले जाया गया है। माना जा रहा है कि इसमें कई ऐसे अहम खुलासे हैं जो अभी होना बाकी है और यही वजह है कि अब एनआईए की टीम दिल्ली लेकर पहुंची है और वहां की जो एनआईए की टीम है वो इमरान और नासिर दोनों से पूछताछ करेगी, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के शामली से जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें एक की रिमांड मिल चुकी है, जिनसे एनआईए की टीम आज से पूछताछ शुरू करेगी। तो अब यह माना जा रहा है एनआईए की तरफ से कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि किस तरह से इन लोगों ने दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ था इसकी साजिश रची थी और फिर इसके पीछे की कहानी क्या थी। ठीक है चंद्रमोहन। सत्रह जून को